हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। रोहतक से अहम खबर, जहां बिजली आपूर्ति पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की तरफ से बयान दिया गया है, देश में बिजली की कमी नहीं है, ये कृषि मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। लेकिन पैसे की कमी के चलते 24 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है, अगले 5 साल में सभी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। वहीं परिवेदना समिति की बैठक में समस्याएं सुनने के लिए मंत्री महोदय पहुंचे थे, कलानौर मार्केटिंग बोर्ड के सचिव को सस्पेंड भी किया कर दिया गया। इस दौरान सचिव पर टोकन देने में कोताही करने का आरोप लग रहा था और इसी को लेकर एक्शन लिया गया। लेकिन सबसे अहम खबर यह कि बिजली आपूर्ति पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की तरफ से बयान दिया गया है, देश में बिजली की कमी नहीं है, इस बात को बताया गया। पूरे हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है और उसके कारण से कई तरह की कठिनाई आती है। दूसरी कठिनाई आती है कि नया डेवलपमेंट हो जाता है और उसके कारण से मकान तारों के नीचे आ जाते हैं। बिलों का बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि हमारे तार हटाओ तार हटाओ। आज भारत में कमी नहीं है बिजली की, कहीं भी पूरे समय अवेलेबल कराई जा सकती है, लेकिन पैसे की कमी है। 7,000 करोड़ रुपये हमको सब्सिडी देनी पड़ती है फार्मर्स को, बिजली उनको सस्ती मिले इसलिए, और लगभग 6,500 करोड़ का लॉस होता है हर साल। यानी ये 14,000 करोड़ का जो है बिजली विभाग अकेला, यानी 4-5 विभागों के बजट के बराबर ये राशि है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हर्षवर्धन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, यहाँ जिस तरीके से मंत्री महोदय की तरफ से जो बयान दिया गया, और इसको हम बड़ा बयान इसलिए भी मानकर चल रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां प्रदेश के अंदर बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मुख्यमंत्री महोदय खुद ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर बिजली आपूर्ति सही तरीके से चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट के एक मंत्री का बयान ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो आपूर्ति है वो पैसों की कमी से रुकी हुई है। काफी अजीब को गिरफ्तार करा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया है वो ये वित्त मंत्री ये कहते हैं कि प्रदेश में बजट की कमी नहीं है, लेकिन वही कृषि मंत्री का ये बयान कि 24 घंटे बिजली तो है हमारे पास लेकिन देने में असमर्थ है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री जो है उनका बयान सच माना जाए, वित्त मंत्री का बयान सच माना जाए या मुख्यमंत्री का सच माना जाए, ये तो कोई आप ही, ये तीनों ही आपस में बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ बयान दिया गया है उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कैबिनेट कृषि मंत्री जो है कैबिनेट के, उन्होंने कहीं ना बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन इस पर जानकारी देने के लिए।